हाय वेलकम टू माय चैनल सिस्टम वेबटेक। इस वीडियो में हम फेसबुक लीड जनरेशन एड कैसे क्रिएट करते हैं वो करना सीखेंगे। तो सिंपल में अपने फेसबुक अकाउंट पे लॉगिन करेंगे आप, और यहाँ पे आपके पेजेस हैं। अगर पेजेस हैं तो वो यहाँ आपके लेफ्ट साइड में दिखाई देंगे। ये मेरे सारे पेजेस हैं, आप यहाँ से भी मैनेज एड्स पे क्रिएट कर सकते हैं। ये मैनेज एड्स पे क्लिक करके, तो अगर मैं अपना पेज यहां से क्लिक करके, ये अपने पेजेस में क्लिक करती हूं, ये मेरा पेज है एक, और ये भी मेरा एक पेज है पर्ल साइंस। तो इस पे आप यहां पे विजिट एड सेंटर पे क्लिक करेंगे। तो विजिट एड सेंटर पे जैसे ही क्लिक होएगा आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। तो क्रिएट एड के ऑप्शन यहां पे भी है लेफ्ट साइड में, टॉप लेफ्ट साइड, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। तो 1, 2, 3, 4 एंड 5 विजिट एड सेंटर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जब आप क्लिक करेंगे तो ऐसा आएगा पेज। और यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं इस पेज में, यहाँ पेज पे भी आ गया, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आप यहाँ पे सिंपल ये बॉक्स खुलेगा आपका, और यहाँ पे मोर पे जाएंगे तो आपको पब्लिशिंग टूल्स का ऑप्शन दिखाई देगा। पब्लिशिंग टूल्स के अंदर आपको लीड्स एड फॉर्म्स में, आप फॉर्म्स लाइब्रेरी के अंदर देख सकते हैं आपने अभी तक कितने एड अभी तक आप क्रिएट कर चुके हैं, राइट। तो सपोज और ड्राफ्ट में कितने रखे हैं, ये सब आपको स्टैट्स दिखाई दे जाएगा। यहां से आप कर सकते हैं, मैं एक बार और करके दिखाती हूँ, मोर पब्लिशिंग टूल्स पे जाके। तो मोर पब्लिशिंग टूल्स पे हम क्रिएट करते हैं फॉर्म्स लाइब्रेरी, वीडियो लाइब्रेरी, सब आपको पब्लिश पोस्ट वगैरह। तो यहां पे हम लीड सेटअप पे क्लिक करते हैं। तो लीड सेटअप पे सीखा, आप यहां से भी कर सकते हैं, नहीं तो आप एक हमारा ये जो कैंपेन्स का है कैंपेन मैनेजर, ये आपको यहां पे मिलेगा। जब आप एड्स मैनेजर पे क्लिक करेंगे, मैनेज एड्स पे, सीधा यहां पे आ जाएंगे आप, और यहां पे आप क्रिएट कर सकते हैं। तो जब क्रिएट करेंगे, यहां से आप क्रिएट करेंगे तो इस तरीके का पूछेगा। तो सेलेक्ट क्विक क्रिएशन, और यहां पे आपको सारी फिलिंग्स करनी है, राइट। और यहां से अगर आप करते हैं तो लीड सेटअप आप अपने सीआरएम से कनेक्ट कर सकते हैं। मैनेज लीड्स पे जाके ये आपको ऑप्शन दे रहे हैं। राइट, तो सिंपल हम यहां से क्रिएट करते हैं एक न्यू कैंपेन। और यहां पे ये बहुत जरूरी है कि आप किस टाइप का एड क्रिएट करना चाहते हैं। तो ये जो हमारी वीडियो है वो लीड जनरेशन पे है, तो मैं यहाँ पे लीड जनरेशन क्रिएट करती हूँ, और कैंपेन का नाम रखूंगी मैं पर्ल, लीड्स प्रोजेक्ट का नाम है पर्ल साइन, और कैंपेन का ऑब्जेक्टिव है लीड्स, राइट। बाइंग टाइप मेरा ऑप्शन एबी टेस्ट, अगर आप करना चाहते हैं आप ऑन कर लीजिए एबी टेस्ट के लिए। दो एडसेट पूछ रहे, तो अभी हम बिल्कुल सिंपल तरीके से ही करते हैं। सिंपल पर लीड्स, और ट्रैफिक रहेगा हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव जो है वो लीड जनरेशन का है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और एड सेट का नाम भी हम
पर्ल ली वन और क्रिएट न्यू एड। तो क्रिएट न्यू एड करके एड नेम देना है हमें, एड का क्या नाम रखना चाहेंगे आप, पर्ल ली एम। तो ये हमने सेव टू ड्राफ्ट पे क्लिक किया था। अब पर्ल लीड्स के अंदर पर्ल लीड्स एम हमारा ऐड है, कैंपेन का नाम पर्ल लीड्स, लीड जनरेशन, शो मोर ऑप्शंस में स्पेंडिंग लिमिट आपको दिखा रहे हैं, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन राइट। और इसके अंदर हम ये यहां तक हमारा हो चुका है, हम अभी पब्लिश पे क्लिक नहीं करेंगे, हम सीधा यहां पे नेविगेशन आप देखिए ऊपर कैंपेन का नाम नजर आ रहा है, अब एड सेट पे क्लिक करेंगे हम। तो एड सेट पे क्लिक करते ही एड सेट का जो नाम रखा था वो डिस्प्ले हो रहा है, एड सेट का नाम एड सेट से पर्ल लीड्स वन नजर आ रहा है हमें। और यहां पे हम देखेंगे हमारा डेली बजट 800, उसमें बाय डिफॉल्ट लिया है, हम कोई एंड डेट नहीं ले रहे, 18 to 65 अपने आप उसने एज ली है। और लोकेशन अगर आप चेंज करना चाहते हैं, सपोज मैं लोकेशन कर दूं इसकी, इसको हटा रही हूं मैं और मैं ले लेती हूं ब्राउज रीजन, दिल्ली, ओके कस्टम ऑडियंस है, लोकेशन यहां पे इंक्लूड ड्रॉप इन, तो ड्रॉप इन में भी अके थ्रू हमारा जो लोकेशन है वो इंडिया है। ड्रॉप इन करके मैं न्यू दिल्ली सेलेक्ट कर रही हूं, तो दिल्ली सर्च करते ही मेरा जो दिल्ली का किलोमीटर है मैं वो इंक्रीज कर सकती हूँ। सपोज मेरा जो दिल्ली से है 200 किलोमीटर, राइट। और जो मैं एज चाहती हूँ उसमें भी एडिट कर लेते हैं, ट्वेंटी टू या 23। तो आप यहां पे अपना मैट्रिक्स चेक करिए सर्च का, लैंग्वेजेस ऑल लैंग्वेजेस, इसको भी हम एडिट करके देखते हैं, ऑल जेंडर्स, शो मोर ऑप्शंस पे सेव दिस ऑडियंस, ट्वेंटी थ्री ले लेते हैं एज,
right? And save this audience. ऑडियंस नेम हम दोबारा से चेंज कर लेते हैं, पर्ल ली वन. तो ये हो गया हमारी ऑडियंस का नाम. कॉस्ट कंट्रोल हम अभी नहीं करते. तो ये हमारा सेट हो चुका है. ऐड लोकेशन स्पल्क भी आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे जाके. तो हमने ऑलरेडी अपनी पीछे यहाँ पे लोकेशन है उसके रेडियस तक का ले लिया है, राइट. अब ये हमारा पर्ल लीक्स और यहाँ पे वन ऐड पे क्लिक करा तो नेविगेशन पे ही आपको क्लिक करना है. तो वन ऐड था पहले, अब इसका नाम हो गया पर्ल लीक्स एम. अब इसमें हम सेटिंग्स लगाएंगे. आप कुछ भी, आप वीडियो चाहते हैं या इमेज दिखाना चाहते हैं, तो मैं अपनी इमेज चेंज करती हूँ. बारह सौ है मिनिमम और 90 करेक्टर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए टेक्स्ट इमेज पे, नहीं तो ऐड रन नहीं करेगा. और यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन एनेबल हो गया, इसको क्लिक करते हैं तो ये हमारी अपडेटेड इमेज आ गई. और यहाँ पे हम टेक्स्ट लिख देते हैं, प्राइमरी टेक्स्ट जो नजर आएगा हमारे इधर ऐड पे, इस टाइप का ऐड दिखेगा. तो जो ऐड शिफ्ट, तो यहाँ पे हम सिंपल टेक्स्ट लिखेंगे. तो हमने यहाँ पे एक्सेल में लिखा है, यहाँ पे साइन बोर्ड हमारा प्रोजेक्ट का जो भी नाम है रहेगा आप वो दे सकते हैं. और यहाँ पे मांग रहा है डिस्क्रिप्शन, तो आप पहले से तैयार करके रखिए डिस्क्रिप्शन. राइट. और प्राइमरी टेक्स्ट पे हम ले लेते हैं एडवाइस. तो ये हमने ले लिया कुछ टेक्स्ट एग्जाम्पल के लिए. और साइन अप आप कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं. यहाँ पे कई सारे ऑप्शन हैं, आप क्या दिखाना चाहते हैं. अप्लाई नाउ जो मैं साइन अप रखूंगी. और यहाँ पे क्रिएट ए लीड फॉर्म, हम क्रिएट ए लीड फॉर्म पे क्लिक करेंगे. सिंपल क्रिएट ए लीड फॉर्म, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो लीड्स ही है.
अब यहाँ पे फॉर्म का नेम पूछ रहा है, तो सिंपल मैं पर्ल ली वन, और मोर वॉल्यूम और हायर इंटेंट में मैं मोर वॉल्यूम चूज कर रही हूँ। अब इंट्रो पूछ रहा है ये, अगर मैं इंट्रो सेलेक्ट करूँ तो ये एक इमेज शो करेगा और उसमें हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन होगा, बट मैं यहाँ पे क्वेश्चन सेलेक्ट करूँगी जिसमें ये मुझे ऑप्शंस दे रहा है आप क्या क्या क्वेश्चंस रखना चाहते हैं। ईमेल फुल नेम राइट, एड कस्टम, किस तरीके का आप फॉर्म चाहते हैं, तो शॉर्ट आंसर में आपका हेडलाइन दिखाएगा और आप यूजर अपना आंसर एंटर कर सकता है। मल्टीपल चॉइस में आपका क्वेश्चन होगा और आंसर फिल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चंस में सिंपल कौन सा हम चूज करें जिसमें ज्यादा रहेगा, प्रीफिल क्वेश्चंस एक है जिसमें ईमेल और ऐड कैटेगरी करके मैं कॉन्टैक्ट फील्ड्स में ये ऑप्शन है, यूजर इंफॉर्मेशन, वर्क इंफॉर्मेशन और नेशनल आईडी नंबर। तो मैं यहाँ पे सिंपल कॉन्टैक्ट फील्ड्स लूंगी जिसमें फोन नंबर और ईमेल एड्रेस मुझे ईमेल फोन नंबर एंड फुल नेम, दैट्स इट। और जिप कोड ऑलराइट, बाकी इतना ही रखते हैं शॉर्ट फॉर्म और लेट पीपल लो। तो हम इसका हेडिंग कुछ ऐसा बनाते हैं, साइन बोर्ड्स, एंड बिल बोर्ड्स। होर्डिंग ये फॉर्म हो गया हमारा, और इधर हम नेक्स्ट कंप्लीशन पे चलते देखते हैं। तो कंप्लीशन में थैंक यू आर ऑल सेट, अगर आप अपना कॉल टू एक्शन पे वेबसाइट का लिंक देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, अगर आपकी वेबसाइट भी है। कॉल टू एक्शन टेक्स्ट क्लिक हेयर हम रखते हैं, और कॉल टू एक्शन का नाम जो हम रखेंगे व्यू वेबसाइट, और वेबसाइट का लिंक डालते हैं एच टी टी पी सेमीकॉलन तो ये मेरी वेबसाइट का लिंक, प्रोजेक्ट का लिंक यहाँ पे हम दे देते हैं, जैसे कि अगर यूजर क्लिक करता है ये वेबसाइट का लिंक हो गया,
और यहाँ पे हम दे सकते हैं विल कॉन्टेक्ट यू, राइट तो हमारा ऐसा दिखेगा यूजर को। और ये हम पब्लिश कर रहे हैं यहाँ पे क्लिक करके, तो ये हमारा अब ये प्राइवेसी पॉलिसी लिंक भी मांग रहा है। अगर आपके पास लिंक है तो आप पेज क्रिएट कीजिए। तो ठीक है, हम यहाँ पे लिंक भी दे देते हैं। तो यहाँ पे हमने ये डिस्क्लेमर लिंक लगा दिया है, साइट पे जो डिस्क्लेमर दे रखा है वहीं से ये लिंक लिया है। पब्लिश पे क्लिक करते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशंस भी हमें फिल करनी होंगी। मुझे इंट्रो नहीं चाहिए तो मैं ये क्लोज कर दी हूँ। क्वेश्चंस हम सेलेक्ट कर चुके हैं तो ये इसको हम डिलीट कर देते हैं, और इसको भी डिलीट कर दिया। अब ये मुझसे पूछ रहा है कस्टम डिस्क्लेमर, तो ये मैं रिमूव कर रही हूँ। कंप्लीशन हम फिल कर चुके हैं और अब क्लिक करते हैं पब्लिश पे। तो अभी ये पूछ रहा है मुझसे ग्रीटिंग, हम ये भी रिमूव कर रहे हैं। सिंपल एक फॉर्म ईमेल फुल नेम और फोन नंबर के साथ पब्लिश कर रहे हैं। और ये हमारा इंस्टेंट फॉर्म बन चुका है पर लीड्स वन करके। और ये यहाँ पे आपको साइड में प्रीव्यू दिखाई दे रहा है, इमेज फॉर्म। तो मैं यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक कर रही हूँ। और यहाँ पे आप आइकन पे देखेंगे शुरू हो गया हमारा एड पब्लिशिंग 100%, और यहाँ पे भी नजर आ रहे हैं। यहाँ पे आप अपनी व्यू डिटेल्स कर सकते हैं। और यहाँ पे भी आप रिव्यू पे क्लिक कर देख सकते हैं, रिव्यू पे क्लिक करके। तो हमारा जो एड है हमारा एड सबमिट हो चुका है। और जैसे ही कोई फॉर्म फिल करेगा तो हमारी लीड्स स्टोर हो जाएंगी।